छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी माथा पच्ची शुरू कर चुकी है। इन सबके बीच एक सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि चुनावों में चेहरा कौन होगा, किसे सामने रखकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन ने जवाब दिया, कहा कि 2023 का चुनाव कमल फूल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में ये साफ हो गया है कि बीजेपी पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ेंगे, पर दाव नहीं खेलने वाली है। दरअसल बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीपुरंदेश्वरी और संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन शनिवार को दौरे पर रहे। नितिन नवीन बिलासपुर और डीपुरंदेश्वरी ने दुर्ग संभाग की बैठक ली। रात के वक्त रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कोर ग्रुप की बैठक हुई। देर रात खत्म हुई बैठक के बाद मीडिया ने डॉक्टर रमन सिंह से इस संबंध में सवाल भी पूछे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव हुए हैं, कभी पार्टी ने किसी को चेहरा बनाकर कोई चुनाव नहीं लड़ा। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होने के बाद 1 घंटे में चेहरा तय हो जाता है। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे सभी लोग हम लोग लगेंगे और बड़ा चेहरा तो मोदी जी का ही है। रिपोर्ट खटपट न्यूज़।